So welcome friends, आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। सो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो तीन टर्म आ रहे, चार टर्म आ रहे, दस टर्म आ रहे, जितने भी टर्म्स आ रहे, एन टर्म्स आ रहे, ठीक है ना, तो उनमें जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का सम जो है हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें देखिए पहले वाले पार्ट में ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और वाई है नहीं यहाँ, तो वाई की पावर जीरो है, तो एक्स का जो पावर है और वाई की जो पावर है उनका सम करके कितना आ रहा है, टू, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में एक्स वाई है आपका, देखा है जो वेरिएबल वाला पार्ट है, तो इसमें एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, दोनों की पावर को ऐड करके टू आ रहा है। और तीसरे वाले पार्ट में आप देख रहे हैं वाई की पावर टू है और एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो जीरो होगी, तो टू प्लस जीरो टू ही आ रहा है। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है उनकी पावर अगर सेम आ जाए पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी होमोजीनियस इक्वेशन। और इसकी डिग्री टू है क्योंकि इसका जो ऐड करके टोटल सम जो आ रहा है वेरिएबल्स का, वो सम आ रहा है टू के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो तभी इसकी डिग्री टू है। अब बात करते हैं ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है, पहली बात, ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दो लाइन ये हमने बना दी, और दोनों लाइन कहाँ से होके जाए, ओरिजिन से होके जाए, ठीक है, दोनों लाइन जो है मूल बिंदु जो आपका है ओरिजिन यहां से होके गुजरे, ठीक है, तो ऐसी लाइंस के जो कंबाइंड इक्वेशन होते हैं वही आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, और दोनों का जो कंबाइंड मिलजुल करके जो इक्वेशन बनेगा, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन, वो आपका बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपको क्लियर हो गया प्रैक्टिकली कि दो लाइन्स आपके जब ऐसे ओरिजिन से होके जाते हैं तो उन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए, अब ये दो लाइंस का अलग अलग हमने इक्वेशन निकालना है, तो जो पहली लाइन होगी उसका इक्वेशन आपका ये लिखा हुआ हमने, ये जो सपोज ये मान लेते हैं एल वन का या एल टू का, जो भी आप मानना चाहो, दोनों लाइन में से एक का जो इक्वेशन होगा वो वाई इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसके बाद ब्रैकेट हो गया आपका इसके बाहर x अपॉन b, ठीक है। और यहां से जो दूसरा इक्वेशन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, ये दूसरा L2 का मान लेते हैं, L2 का जो इक्वेशन है y इक्वल टू आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे कि y इक्वल टू हम इसको m1x लिख सकते हैं, मीन्स स्लोप, स्लोप फॉर्म में आपका एक, ठीक है ना, तो इसका वाई इंटरसेप्ट तो वैसे भी जीरो है, प्लस जीरो करेंगे तो एम वन आपका जो है स्लोप आ गया पहली वाली लाइन का, और इसको अगर हम देखें तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम टू एक्स। तो ये m1 की वैल्यू है यहाँ पे, m1 की वैल्यू आप देख रहे हैं m1 जो है इस वाले के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर, माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी के बराबर होगा, और m2 तुम्हारा इसके बराबर होगा यहाँ पे, माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन बनता है इनके बीच में, M1 और जो स्लोप है, अगर मैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करूं, M1 और M2 को जोड़ूंगा तो आप जोड़ सकते हैं, वैसे जोड़ने आप डायरेक्टली भी जोड़ लो, इसको सीधे सीधे आपका जुड़ रहे हैं, इसको अगर जब जोड़ेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप b भी है तो सीधे जोड़िए, ठीक है ना, ये रूट वाला पार्ट कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस टू एच अपॉन बी। तो एक नया रिलेशन हमारे सामने में आ गया, कभी भी हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए दो लाइन्स, ठीक है ना, क्योंकि एल वन जो लाइन है आपकी, जो एल वन लाइन है यहाँ पे, उसका इक्वेशन आपका y इक्वल टू एम वन एक्स, और जो L2 लाइन है इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम टू एक्स, ठीक है ना। तो ये M1 और M2 के बीच में जो रिलेशन है ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना, इनके स्लोप के बीच में रिलेशन, इनके स्लोप का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस टू एच अपॉन बी के बराबर आएगा। और दूसरी चीज, इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना, तो ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी a अपॉन b के बराबर, a अपॉन b के बराबर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस l1 एंड l2, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन।